आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले अगर हम जाएं तो इस सेटअप को स्टार्ट करने के लिए कम से कम आपके पास 1.5 से 2 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, फिर ये स्टार्ट होता है। लेकिन हमने क्या किया, इस मशीन के साइज को थोड़ा सा कम कर दिया है और पार्ट्स वही लगाए हैं जो बड़ी मशीन वाले हैं। साइज को कम किया और कुछ गैर जरूरी चीजें इसमें से कम की है, जिसके बगैर भी गुजारा हो जाता है। तो इसलिए हमने इसके इन्वेस्टमेंट को बहुत ही कम कर दिया, ताकि एक मिडिल क्लास जो हमारी तरह के हैं वो भी इसको इजीली स्टार्ट कर सके कम से कम इन्वेस्टमेंट। हम आपको जो है वो जो न्यू होंगे, बिगनर होंगे, उनको कम से स्टार्ट करेंगे। उनको हम लगवा के देंगे 2 टेबल और 2 टेबल में वो डेली निकाल सकते हैं इजीली 1000 से 1200 जोड़ा। आप 1000 भी कर लें, 1000 जोड़ा जब आप निकालेंगे उसके पीछे आपका मार्जिन होगा इस क्वालिटी में, ये जो जूता है इस क्वालिटी में आपका मार्जिन होगा 30 से 40 रुपए। तो 1000 जोड़ा आप डेली का निकालेंगे, 1000 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 30 से 40, तकरीबन अपना 30-40 हज़ार रुपया डेली का बनता है। हमारा नौजवान नस्ल को भी ये पैगाम है, जो कि अपना वीजे ले रहे हैं बाहर के मुल्कों के, 50+ लाख के, 80-80 लाख के, करोड़ करोड़ के वीजे ले रहे हैं, तो उनके लिए हमारा ये पैगाम है, ये बिजनेस आइडिया समझ लें आप, कि वो अपने मुल्क में, अपने पाकिस्तान में रहकर ये छोटे लेवल पे इस पर अपना जो है वो कारोबार, छोटी मिनी फैक्ट्री, जूतों की फैक्ट्री के मालिक पाकिस्तान में रहते हुए बन सकते हैं और एक दिन में 30 हज़ार से 50 हज़ार रुपया बआसानी आप कमा सकते हैं। देखिए जी, जिस तरह हमने सेटअप लगाया हुआ है 4 टेबल के साथ, इससे तो हम डेली जो है वो तकरीबन 1 लाख के करीब, 80 हज़ार 1 लाख एस्टिमेटेड निकाल रहे हैं। अगर आप बेरोजगार हैं, किसी कारोबार की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि यार मेरा भी अपना ब्रांड हो, मेरी भी अपनी फैक्ट्री हो, मेरा भी अपना कारोबार है, तो आज की वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है। आज हम जिस बिजनेस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ये 12 महीने चलने वाला है, 24 घंटे चलने वाला है, हर घर की जरूरत है, छोटे से लेकर बड़े तक इस प्रोडक्ट की जरूरत होती है। अगर हम इस सेटअप की बात करें तो बड़े लेवल पे जो सेटअप लगता है वो 1.5 से 2 करोड़ का सेटअप है। ये भाई आपको वही सेटअप चंद लाख में लगवा देंगे और ना ही ज्यादा जगह की जरूरत है। अगर आपके पास थोड़ी जगह है, आप लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, बेहतरीन किस्म का कारोबार है। अगर हम इसकी थोड़ी सी प्रॉफिट की बात करें तो आप लोग इस कारोबार से एक दिन का 30,000 से लेकर 50,000 रुपया पर डे अर्निंग कर सकते हैं। ये भाई आपको मशीन भी प्रोवाइड करेंगे, ये भाई आपको स्टाफ भी देंगे जो इस मशीन को चलाएगा, ये भाई आपको बताएंगे कि भाई आपने माल बेचना कहां पे है, सस्ता माल खरीदना कहां पे है, रॉ मटेरियल सस्ता कहां से लेना है, प्रोडक्शन किस तरह से करनी है, तमाम तरह जिम्मेदारी इनकी है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको इसी वीडियो में ही स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। तो अच्छा सर बताइएगा कि इस मशीन को क्या कहते हैं, इस मशीन का काम क्या है? देखिए जी, बेसिकली ये मशीन है जूते बनाने वाली मशीन, जिसको पीयू मशीन कहते हैं जी। इस मशीन पे आप किसी भी कैटेगरी के जूते बना सकते हो, चाहे वो लेडीज के हैं, जेंट्स के हैं, बच्चों के हैं, बड़ों के हैं, बंद है, तो किसी भी किस्म का जूता आप इस मशीन पे जो है वो इजिली बना सकते हैं। इसके अलावा इस मशीन की खासियत ये है कि इस मशीन पे वो जूता बन सकता है जो आप आम घरों में भी पहन सकते हैं, और वो भी जूता आप इस मशीन पे तैयार कर सकते हैं जो कि आप फंक्शंस पे, शादी ब्याह, किसी पार्क में जाने के लिए भी आप इजिली पहन सकते हैं। अच्छा, यानी कि सिंपल जूता आम घर में पहनने वाले, रफ चप्पल भी इस पे बनाई जा सकती हैं, या फैंसी जूते जो कई फंक्शन पे पहन के जाने हो, अच्छी क्वालिटी वाले, वो भी इससे तैयार किए जा सकते हैं। इससे आप घर पे पहनने के लिए जो वॉशरूम के लिए भी जूते थे वो भी आप इससे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने शादी पे जाना है उसके लिए भी आपको जूते चाहिए तो वो भी आप अच्छे से अच्छा जूता इससे तैयार कर सकते हैं जी। ठीक हो गया। अच्छा सर, इस मशीन का नाम क्या है, पहले तो मुझे ये बताएं। बेसिकली इस मशीन को पीयू मशीन के नाम से जाना जाता है, इसमें पीयू मशीन के ही जूते तैयार किए जाते हैं जी। ठीक हो गया। कुछ सैंपल हमें दिखाएं सर, जो इस पे आप लोगों ने तैयार किए हुए हैं। देखिए जी, ये सबसे पहले ये आपके हाथ में भी है, मेरे हाथ में भी है, ये जूता है जी लेडीज का, लेडीज स्लीपर का जूता है। ठीक है। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि आपने यही बनाना है, आप इसके ऊपर जेंट्स का बना सकते हैं, छोटे बच्चों का बना सकते हैं, बंद का बना सकते हैं, अपना जो भी आपका दिल चाहे, जिस कैटेगरी का आप चाहे आप जूता इसमें बना सकते हैं, सर्दी गर्मी का। ठीक है। अच्छा, मटेरियल पीयू में इसमें तैयार होगा? हाँ जी, इसमें पीयू का मटेरियल यूज होगा, पीयू के केमिकल से ही ये सोल बनता है इसका जी। ठीक होगा। अच्छा सर, इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो आसानी से मार्केट से अवेलेबल होता है? देखिए जी, इसका जो केमिकल है वो तो इजिली लाहौर में तो हर जगह आपको मिल जाएगा, 25 नंबर ये अपना टिम्बर मार्केट में आपको मिल जाएगा, वाटर लाइन में मिल जाएगा, तो इसकी तो जगह जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए, आपको इजिली इसका माल मिल जाएगा, ये कोई अपना जो है वो शार्ट नहीं होता, पाकिस्तान में भी बनता है और बाहर के ममालिक से भी ये इम्पोर्ट किया जाता है जी। बेहतरीन हो गया सर। इसमें वैसे रॉ मटेरियल होता कौन कौन सा है, इस चप्पल को बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल? इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक तो ये सेटअप होना चाहिए जी। उसके बाद आपने जो भी जूता बनाना है, लेडीज का, जेंट्स का, बच्चों का, बड़ों का, उसकी आपके पास डाई होनी चाहिए। डाई के साथ साथ आपके पास इसको अपर बोलते हैं, ये अपर होना चाहिए और केमिकल होना चाहिए जिससे आपने ये सोल बनाना है।
ठीक है, तो ये चंद चीजें जिससे ये जो अभी जूता तैयार होता है जी। ठीक हो गया सर, ये जो मशीन जो आप सेटअप देंगे कितनी जगह पे ये सेटअप लग सकता है? देखिए जो मशीन है वो तो दो टेबल के साथ अगर आप लगाते हैं तो वो तो एक मरले में आ जाएगा, उसका तो जगह का मसला नहीं है जी। बाकी जो है वो मटेरियल रखने के लिए, केमिकल पैकिंग के लिए, तो फिर वो जो है वो कम अज कम आपके पास 5 मरले जगह होनी चाहिए। अच्छा, सिंगल फेज है या 3 फेज पे चलेगी ये? 3 फेज मीटर पे चलेगा, सिंगल फेज पे नहीं चलेगा, 3 फेज चलेगा। और कम अज कम इसका लोड है तकरीबन 8 केवी। 8 केवी इसका कम से कम लोड है? कम से कम जी, बेहतरीन होगा। अच्छा सर, इसको चलाने के लिए हमें कारीगर की जरूरत पड़ेगी या बंदा खुद भी चलाना सीख सकता है या स्टाफ कितना चाहिए होगा? देखिए स्टार्टिंग में, शुरू में तो आपको एक कारीगर की जरूरत होगी जिसको हम इसका ऑपरेटर बोलते हैं, वो हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे। तो वो आपको आपकी जगह पे सिखाएगा, मतलब वहाँ पे चलाएगा भी, आपका काम भी करेगा और आपको सिखाएगा भी। आप उससे सीख के उसको वापस भेज सकते हैं, आप खुद इसको स्टार्ट कर लें, कोई इतना जो है वो टेक्निकल चीज नहीं है इसके अंदर जी। बेहतरीन होगा सर, अब आते हैं इसकी प्रोडक्शन की तरफ, और पहले हमें बता दें कि स्टाफ कितना चाहिए होगा? देखिए जी, इसको चलाने के लिए आपके पास कम से कम 3 बंदे होने चाहिए 2 टेबल पे। अगर 2 टेबल लगाते हैं 3 बंदे होने चाहिए, जिसमें से एक ऑपरेटर होगा और 2 हेल्पर होंगे। 3 बंदों से आप इजीली इसको स्टार्ट कर सकते हैं जी। ठीक होगा। अच्छा, इस मशीन के साथ कोई और मशीन भी चाहिए होती है या एक मशीन भी बहुत होती है? देखिए जी, इसके साथ एक आपको सिर्फ ट्रिमिंग मशीन चाहिए। जब जूता डाई से बाहर आएगा, उसकी साइडों से कटाई के लिए, फिनिशिंग के लिए एक ट्रिमिंग मशीन यूज होती है, जो उसकी फिनिशिंग के लिए हम आपको दे देंगे साथ इसी सेटअप में जी। ठीक होगा। एक दिन की सर इसकी प्रोडक्शन कितनी? अगर कोई बंदा 8 घंटे मशीन चलाता है तो ये इस तरह के कितने पीस ये तैयार कर देगी? देखिए अभी तो हमारे पास लगे हुए 4 टेबल, हम आपको दे देंगे स्टार्टिंग में 2 टेबल। 2 टेबल पे आप इजीली अगर 8 से 10 घंटे मशीन चलाते हैं तो 1000 से 1200 जोड़ा आप डेली का निकाल सकते हैं। जबरदस्त हो गया। एक जोड़ा जो सर है इस मटेरियल में, एक जोड़ा फैक्ट्री में कितने का पड़ता है, मार्केट में कितने का हमारा सेल होगा? जी यही चीज जो है जो आपके हाथ में है, ये फैक्ट्री में पड़ रहा है 210 या 220 रुपए में जी ओवरऑल, जिसमें इसके अपर की कॉस्ट आ जाती है, इसके केमिकल की आ जाती है, लेबर की, बिजली की, रेंट की। ठीक है, 210 या 220 में ये आपको फैक्ट्री में पड़ जाएगा, और आपने इसको सेल करना है 260-270 या जहाँ पे डील हो जाए होलसेल रेट पे जी। बेहतरीन। यानी कि एक जो पीस के पीछे 50 से 60 रुपए कम से कम मार्जिन होता है। इससे ऊपर आप जितनी क्वालिटी बढ़ाते जाएंगे उतना मार्जिन भी आपका बढ़ता जाएगा। जितनी आप इसकी क्वालिटी अच्छी करते जाएंगे उतना ही आपका मार्जिन ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि आप इसी मशीन के ऊपर 200 से लेकर 5000 तक का जूता भी इस पर निकाल सकते हैं जी। बेहतरीन होगा सर। आम अगर देखा जाए तो ये सेटअप सर बड़ा महंगा लगता है, कम से कम 1.5 करोड़ या 1.5 करोड़ अगर बंदे के पास इन्वेस्टमेंट हो तो ये लगता है, तो आपने सर इतने सस्ते में किस तरह से सेटअप लगवा देते हैं जी? देखिए आपकी बात ठीक है, आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले अगर हम जाएं तो इस सेटअप को स्टार्ट करने के लिए कम से कम आपके पास 1.5 से 2 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, फिर ये स्टार्ट होता है। लेकिन हमने क्या किया, इस मशीन के साइज को थोड़ा सा कम कर दिया और पार्ट्स वही लगाए हैं जो बड़ी मशीन वाले हैं, साइज को कम किया और कुछ गैर जरूरी चीजें इसमें से कम की हैं जिसके बगैर भी गुजारा हो जाता है। तो इसलिए हमने इसके इन्वेस्टमेंट को बहुत ही कम कर दिया ताकि एक मिडिल क्लास जो हमारी तरह के हैं वो भी इसको इजीली स्टार्ट कर सके कम से कम इन्वेस्टमेंट। अच्छा, आपके ख्याल से सर ये जो माल तैयार होता है इसको बेचना आसान है, आसानी से बिक जाता है, प्रॉफिट सही निकल आती है, बंदा ठीक अर्निंग कर लेता है? देखिए जी, ये जूते का कारोबार है, जूता हर बंदे की जरूरत है, बड़े की, छोटे की, बच्चों की, हर बंदे ने, हर उम्र के लोग ने जो है वो इसको पहनना है, इसको यूज करना है। तो मैं नहीं समझता कि ये फ्लॉप होने वाला कोई कारोबार है, क्योंकि ये इसके फ्लॉप होने के चांसेस बिल्कुल कम है, बहुत ज्यादा कम। अगर बात करते हैं इसमें प्रॉफिट की, ये माशाल्लाह आपकी फैक्ट्री है, आपका बिजनेस चल भी रहा है, इस टाइम ये फैक्ट्री जो आपकी चल रही है इस पे तकरीबन कितनी अर्निंग हो रही है? देखिए हमारे पास तो लगे हुए यहाँ पे 4 टेबल और हम डेली का निकाल रहे हैं 2000 से 2200 जोड़ा जी, तो हम तो जो है वो अच्छा खासा ही कर रहे हैं। लेकिन हम आपको जो है वो जो न्यू होंगे, बिगनर होंगे, उनको कम से स्टार्ट करेंगे, उनको हम लगवा के देंगे 2 टेबल और 2 टेबल में वो डेली निकाल सकते हैं इजिली 1000 से 1200 जोड़ा। आप 1000 भी कर लें, 1000 जोड़ा जब आप निकालेंगे उसके पीछे आपका मार्जिन होगा इस क्वालिटी में, ये जो जूता है इस क्वालिटी में आपका मार्जिन होगा 30 से 40 रुपए। तो 1000 जोड़ा आप डेली का निकालेंगे, 1000 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 30 से 40, तकरीबन अपना 30-40 हजार रुपया डेली का बनता है। बेहतरीन हो गया सर। अब आते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट की तरफ, ये सेटअप लगाने के लिए सर कितना पैसे हो तो बंदा ये सेटअप स्टार्ट कर सकता है? देखें जी, अभी तो जो 2 शेल वाली हमारी मशीन है सिंगल कलर वाली, वो है 15 लाख का सेटअप, और राम डीलर अलग से है जिसमें डाई, अपर और केमिकल आ जाती हैं। इसी तरह हमारे पास है 2 कैटेगरी की मशीन है, एक सिंगल कलर वाली है 2 शेल वाली, और एक डबल कलर वाली है 3 शेल वाली। तो जो 2 शेल वाली है वो 15 लाख का सेटअप है, 3 शेल वाला जो हमारा सेटअप है वो है अपना 20 लाख का, जिसमें मशीन है साथ, 2 टेबल है, ट्रिमिंग मशीन है, कंप्रेसर है, फिटिंग वायरिंग करके आपके पास चला के इस तरह सैंपल निकाल के। इसके अलावा जो आपका राम डीलर का खर्चा है उसमें डाई, अपर ये वाला और ये जो केमिकल है वो आ जाता है।
तो वो भी डाल के अगर आप ओवरऑल खर्चे की बात करें तो जो दो शेल वाली है सिंगल कलर वाली उस पर आपका लगेगा 23 से 24 लाख रुपया, इसमें ये स्टार्ट हो जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। इसके अलावा जो आप हमारा कलर वाला सेटअप है जिसमें आप डिफरेंट कलर में ये सोल बना सकते हैं वो आपका चलेगा ओवरऑल 27 से 28 लाख रुपए। अगर आपसे कोई कॉन्टेक्ट करना चाहे तो अपनी डिटेल बता दें जी। देखिए जी, सबसे पहले तो मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है जो है 03124008164, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और इंशाल्लाह आपको 1 से 2 घंटे में रिप्लाई आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप डिटेल में इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है एम अर्शद इन्फॉर्मेशन के नाम से, यूट्यूब पे जाएं, लिखें, सर्च करें तो इसके बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।